नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 383 के बारे में, यानी कि 383। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, वो पॉइंट है हमारा जीवी मेरिडियन का 13, यानी कि 13 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ये दोस्तों हमारा स्पाइन है ये, और ये हमारा T1, T2, T3, T4, T5, और बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये T1 और T2 के बीच में हमारा ये पॉइंट होता है GV13 का। ठीक है, GV13 ही आ गया हमारा, T1 और T2 के बीच में, T1 T2 के बीच में GV13 आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये होगी लोकेशन दोस्तों, ये बैक साइड है हमारी स्पाइन की। ठीक है, बैक साइड, और ये स्पाइन के सेंटर में ही बिल्कुल ये चलता हुआ आ रहा है मेरिडियन, बिल्कुल टेलबोन से ये बैक साइड होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोग या क्या क्या समस्या इससे ठीक होती है वो जान लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अगर दोस्तों किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में दोस्तों आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर वन स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, अगर किसी को जीवन में रस ना रहा हो, यानी कि जीवन में उमंग खत्म हो गई हो, ठीक है, जैसे एंजाइटी वगैरह होती है, चिंता वगैरह हो जाए, ठीक है, जोश ना रहे, जीवन में इस तरह से कोई भी उम्मीद वगैरह ना रहे, ये कंडीशन हो जाती है, डिप्रेशन टाइप होती है, ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम है उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कलाई की हड्डी टूटना, ठीक है, कलाई की अगर किसी की हड्डी टूट जाए उस कंडीशन में भी दोस्तों ये जल्दी से उस टूटी हुई हड्डी को जल्दी से भर देता है। ठीक है, ये कैल्शियम का मिनरलाइजेशन करता है अच्छे से, बहुत सारे इसका बेनिफिट है इस पॉइंट का। तो ये दोस्तों तीन आपको बेनिफिट हो गए, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जीवन में रस की कमी होगी यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह चिंता दोष ये सब हो गया हो, या फिर कलाई की हड्डी टूट गई हो, उन सभी कंडीशन में आप GV13 पॉइंट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी को सर्कुलेशन को इस तरह से इंप्रूव करेगा, मिनरल्स को इस तरह से बढ़ाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको पॉइंट की लोकेशन को ढूंढना है, आधा से एक मिनट के लिए पॉइंट को प्रेस करना है, जितना पेशेंट बर्दाश्त कर पाए उतना प्रेशर देना है, ज्यादा टाइट प्रेशर नहीं देना है। दिन में एक बार भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, और ज्यादा टाइम के लिए अगर पेशेंट अवेलेबल है तो उसे डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, पेशेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको पॉइंट की लोकेशन को देखना है, तभी आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।